एमएसएमई विभाग में भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे जी, हमारा असम सरकार में उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री चंद्रमोहन पटवारी जी, कोयर बोर्ड के चेयरमैन श्री डी कुप्पूरामू जी, रबर बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सावर धनानिया जी, लघु उद्योग भारती की अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री प्रकाश सान जी, लघु उद्योग भारती की अखिल भारतीय अध्यक्ष बलदेव भाई प्रजापति जी, लघु उद्योग भारती की ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी घनश्याम जी ओझा, हमारे लघु उद्योग भारती की फॉर्मर प्रेसिडेंट ओम प्रकाश मित्तल जी, लघु उद्योग भारती की ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी आशीष देवरा जी, पूर्वोत्तर की लघु उद्योग भारती की माननीय अध्यक्ष मनोज लुंडिया जी, देवी और सज्जनों, मैं आज ये जो भारत औद्योगिक मेला उद्यम 2022 लघु उद्योग भारती का ओर से अनुष्ठित किया जा रहा है, उसमें आप सारे अतिथियों को मैं स्वागत करता हूं, खास करके भारत सरकार की माननीय मंत्री श्री नारायण राणे जी को मैं असम में स्वागत करता हूं। लघु उद्योग के साथ जोड़कर इस महत्वपूर्ण आयोजन करने के लिए मैं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग असम सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे अगले पीढ़ियों को उद्यमियों की बीच उद्यम के रूप में काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि पहले आयोजित की गई औद्योगिक की उपलब्धियों के अलावा इस आयोजन का उद्देश्य होगा स्टार्टअप कंपनियों को नई विचार भावनाओं के जरिए कारोबारी माहौल की बढ़ावा देना। ये उन्हें आने वाला दिनों में अपने विकास की गति को बढ़ावा देने तथा सफलता प्राप्त करने में भी मदद करेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि एक निडर तथा साहसी उद्यमी ही रचनात्मकता और उत्साह के साथ दुनिया के विकास को गति दे सकता है। असम सरकार राज्य के एमएसएमई क्षेत्रों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथियों, एमएसएमई भारतीय उद्योग क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो देश के निर्यात क्षेत्र में 45% का योगदान देता है। न्यूनतम निवेश का साथ एमएसएमई अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करता है। असम में लगभग 67,000 उद्योग है, इनसे 99.5% है जो राज्य के जीडीपी में 29% का योगदान देता है। एमएसएमई क्षेत्र युवाओं को नौकरी खोजने वाला को बजाय नौकरी देने वाला के रूप में सक्षम बनाते हैं और उनके बीच उद्यमिता का भावना पैदा करता है। हमारी राज्य सरकार असम विपणन प्रौद्योगिकी कौशल और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्र में एमएसएमई के प्रसार और विस्तार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लघु उद्योग भारती स्थानीय उद्यमियों को और निवेशकों को जोड़ने, बढ़ावा देने और सलाह देने के जरिए असम में एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने में भी उत्कृष्ट सेवा प्रदान कर रहा है। लघु उद्योग भारती ने असम सरकार को जो सहयोग दिया है और देते रहे हैं, उनके लिए मैं लघु उद्योग भारती को धन्यवाद भी देता हूं। उपभोक्ता बाजार में आज की कड़ी प्रतियोगिता को देखने हुए एमएसएमई को मानक संचालन प्रक्रियाओं द्वारा अपने अनुप्रयोगों को आधुनिकीकरण करना चाहिए।
इसके अलावा निर्माण खंड के लागत को भी कम करना चाहिए और उत्पादों का गुणवत्ता में भी सुधार लाना चाहिए। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों की स्थिरता बनी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए उन्होंने इस क्षेत्र को देश के विकास का नया इंजन बताया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने असम को एशियन ब्लॉक के उभरते दिग्गजों का साथ बढ़ते मजबूत संबंधों का केंद्र स्वरूप बना दिया है। हाल ही में बांग्लादेश का साथ प्रोटोकॉल और एसओपी पर हस्ताक्षर किया गया है, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्रों के जहाजों को बांग्लादेश के जल मार्गों और बंदरगाहों का उपयोग करने का अधिकार मिला है। गुवाहाटी को एशियन और बीबीएम रास्ते की से राजधानी कुआलालंपुर, यांगून, हानोई, सिंगापुर, काठमांडू और ढाका से जोड़ने का प्रयास भी चल रहा है। हमारी सरकार ने निर्यात एवं लॉजिस्टिक नीति शुरू की है, जिससे लॉजिस्टिक की बुनियादी ढांचे में विकास में मजबूती मिलेगा। हमारे राज्य के किसान अब गुवाहाटी से यूएई, यूरोप और सिंगापुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फलों और सब्जियों का भी निर्यात कर रहा है। हाल ही में असम सरकार ने एमएसएमई स्थापना की लंबी प्रक्रियाओं को तथा अनुमोदन का असुविधाओं को दूर करने के लिए असम एमएसएमई अधिनियम 2020 अधिसूचित किया है। इस अधिनियम के तहत एमएसएमई को बिना किसी एनओसी के बिना स्थापित किया जा सकता है और तीन साल तक संचालित की भी किया जा सकता है। हालांकि आग और पर्यावरण से संबंधित उद्योगों को इस अधिनियम से दायरे से बाहर रखा गया है। द असम इज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2020 ने स्व घोषणा के आधार पर सभी मंजिलों को ऑटो रिन्यूअल को संभव बनाए हैं। 41 विभागों के तहत 450 G2B सेवाओं को जोड़ने के लिए ईज ऑफ डूइंग पोर्टल का विस्तार भी किया गया है। केंद्रीय सरकार ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक परिदृश्य को विकास के लिए समय समय पर प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की है। पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संबंधन नीति 2007 ने राज्य में मध्यम और बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने में सफल हुआ था। वर्ष 2017 के गणना के अनुसार देश में स्थापित कुल बड़ी इन्वेस्टमेंट में से असम का 10% हिस्सा रहा है। उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना 2017 को वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2018 में घोषित किया गया था। ये नीति पूर्वोत्तर राज्य में निवेश के बढ़ावा देने के लिए NEIPP के प्रतिस्थापन के रूप में की गई थी। मार्च 2022 तक नीति का यही अवधि प्रभावी थी। इससे चलते पूर्वोत्तर भारत के लिए एक विशेष औद्योगिक नीति की भी आवश्यकता है। उत्तर पूर्व भारत के लिए जो हमारा औद्योगिक नीति था उनका एक्सटेंशन और मजबूत बनाने का बहुत बहुत जरूरत है। भारत सरकार ने अभी ही जम्मू कश्मीर में नया औद्योगिक नीति लाया है और वो औद्योगिक नीति का परिणाम अभी काफी उद्योग जम्मू कश्मीर में प्रतिष्ठा हुआ है। उत्तर पूर्व का हालत भी जम्मू और कश्मीर का जैसे ही है, कोई टेररिज्म का दृष्टिकोण से नहीं है, कनेक्टिविटी का ओर से। इसलिए अभी असम में पूरा शांति है, असम में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। असम में जो एक
हमारा इमेज है वो इमेज का भी मेकओवर होना जरूरी है। मैं लघु उद्योग भारती को निवेदन करता हूं कि आप जब भी कुछ सभा अनुष्ठित होता है देश का कोई भी कोना में, कम से कम इतना बताइए कि मोदी जी का दिन में आसाम में 100% शांति और आयाम प्रतिष्ठा हुआ है, यहां में इस जगह में लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा जो कोई बुनियादी प्रॉब्लम है, जैसे पार्टीशन का बाद जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, जो हमारा नेचरल रोड था, नेचरल बंदरगाह था, या हमारा जो एक बाजार था, उसमें काफी कमी आया। अभी पार्टीशन का पहले हमको कलकत्ता पहुंचने के लिए जितना समय लगते थे, पार्टीशन का बाद किसलिए हमारा रोड एंड रिवर दोनों हमको जो हमारा कनेक्टिविटी था वो बांग्लादेश या पाकिस्तान में उस इलाका चला गया। इसीलिए हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट है ये बहुत लंबा हो गया। अभी अगर कोई आसाम में इंडस्ट्री आते हैं, उनको रॉ मेटेरियल लाना और फिनिश प्रोडक्ट देश का और जगह में भेजने के लिए हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये डबल हो जाता है। लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, पार्टीशन का पहले हमारा सुविधा था, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन का हम विक्टिम बना रहा। तो इसीलिए भारत सरकार को मेरा हमेशा निवेदन होगा कि हमारा जब नया औद्योगिक नीति बनेगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बढ़ावा मिले, इंडस्ट्री को आसाम में रॉ मेटेरियल लाने में, फिनिश प्रोडक्ट भेजने के लिए कोई उत्साह प्रदान किया जाए, ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये बात को ध्यान रखने का जरूरी है। एमएसएमई सेक्टर में मैं अभी भी रानी जी से बात कर रहा हूं, रानी जी हमको ठीक बोला है कि आसाम का भी जीडीपी को बढ़वाना है तो एमएसएमई का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। विदाउट एमएसएमईज कंट्रीब्यूशन इन आवर जीडीपी हम लोग बहुत आगे बढ़ नहीं सकता हूं। मैं लघु उद्योग भारती को निवेदन करता हूं कि आप देश का हर जगह में आपका ऑर्गेनाइजेशन है, हर स्टेट का पॉलिसी का बारे में आपका मालूम है, आप थोड़ा आसाम का एमएसएमई पॉलिसी को भी स्टडी कीजिए और देश का जो भी सबसे बड़ा अच्छा एमएसएमई पॉलिसी है वो एमएसएमई पॉलिसी का साथ आसाम का एमएसएमई पॉलिसी को कंपेयर करके हमको आप एक मॉडल ड्राफ्ट दीजिए और वो मॉडल ड्राफ्ट को हम अपनाते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। अभी हमने मेगा इंडस्ट्री में हमने एक बहुत बड़ा हमारा पॉलिसी में संशोधन लाया हो। पहले क्या था, एक हमारा सेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी था और वो सेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में काम करने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता था। किस लिए, हर इंडस्ट्री का आज का दिन में रिक्वायरमेंट कस्टमाइज है। किसी को अगर जमीन चाहिए तो किसी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, किसी को जल चाहिए तो किसी को कोयला चाहिए। तो इसीलिए इस बजट में हमने एक बड़ा फैसला को अनुमोदन किया हो, आगे जाके नीति बनेगा कि हमारा 100 करोड़ के ऊपर जो आसाम में अभी निवेश करेगा, इसके लिए हमारा कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं होगा, हम खाली बातचीत करेगा और उनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग पूरा कर देगा। अगर किसी को कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सब्सिडी चाहिए, किसी को और कोई अदर मॉडल चाहिए, तो हमने यही पॉलिसी में रखा हूं कि हमारा एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी इंडस्ट्री से बात करेगा और दोनों का बीच में जो भी सहमत बनेगा वही हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है कि 10% मिलेगा, 20% मिलेगा। अगर कोई इंडस्ट्री लाने के लिए हमको कैपिटल सब्सिडी का जरूरत है, वो ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी रिकमेंड कि आप इनको कैपिटल सब्सिडी दीजिए, किसी को लैंड का जरूरत है तो लैंड दीजिए,
किसी को इंटरेस्ट सबवेंशन चाहिए तो इंटरेस्ट सबवेंशन दीजिए, मतलब हमने पूरा सीज को फ्लेक्सिबल कर दिया हो कि आपको इंतजार का कोई जरूरत नहीं है, आप आइए बातचीत कीजिए और हमारा एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी जो भी इंसेंटिव रिकमेंड करेगा आप तो पीएलआई तक, हमने उसी रास्ता में चलने का प्रयास करेगा। तो ये हमने बजट में इसको प्रस्ताव हमने रखा हो, बजट स्वीकृत हो चुका है, लेकिन इसको पॉलिसी रूप हम जून महीना में इसको दे दूंगा और उसका बाद हम लोग आशा करूंगा कि निवेश आएगा और एक बड़ा निवेश का साथ, जैसे रानी जी अभी बोल रहा था, कोई सारा छोटा निवेश भी साथ में ही आ जाता है और हम उसी दिशा में काम करने के लिए हम भी प्रस्तुत है और इसी दिशा में हम भी आगे जाके काम करूंगा। मैं लघु उद्योग भारती को निवेदन करूंगा कि आप असम में अगले दो दिन है, आप बातचीत कीजिए और जो भी असम के लिए कस्टमाइज एक एमएसएमई पॉलिसी होना चाहिए वो हमको रिकमेंड कीजिए और हम उसमें काम करूंगा और उसको आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। मैं राणे जी को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारा बीच में आए और जरूर आपका मार्गदर्शन से हम लोग को आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा और साथ में लघु उद्योग भारती का सारे डेलीगेट्स को मैं असम में स्वागत करता हूं। आपका अधिवेशन कॉन्फ्रेंस अच्छा रहे, राष्ट्र निर्माण में आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन सब मानते हैं, खास करके जीएसटी निर्माण का समय में मैं जीएसटी काउंसिल में रहा, अरुण जी आपसे बात करते करते पॉलिसी को जीएसटी को एकदम व्यापार का जो एक फ्रेंडली पॉलिसी तक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन किया था, उसमें लघु उद्योग भारती का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मैं आप लोग को साधुवाद देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं आगे भी आप लोग अपना कंस्ट्रक्टिव जो पॉलिसी है इसको आगे ले जाके हमारा राष्ट्र निर्माण का जो प्रोसेस चल रहा है उसको आप लोग और मजबूती देगा। यही दो बात बोलते हुए मैं आप सब लोग को धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।